किचन एंड नेहा किचन में आज मैं आपको कोई रेसिपी नहीं बताने वाली हूँ, आज मैं आपको बताने वाली हूँ स्कॉटलैंड, जो आप लंदन से स्कॉटलैंड कैसे आ सकते हैं और कहाँ कहाँ पर रह सकते हैं। ये एक ब्लॉग वीडियो है, इसमें मैं आपको बताऊँगी कि आप अपने बजट में ही स्कॉटलैंड कैसे घूम सकते हैं। तो चलिए जल्दी से देखते हैं ये ब्लॉग और आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैं पूरे टिप्स बताने वाली हूँ जो आपको सफ़र में और आपकी ट्रिप प्लानिंग में बहुत ही काम आने वाली है। तो लंदन से स्कॉटलैंड आप जा सकते हैं बाय ट्रेन, बाय फ्लाइट या फिर बाय रोड भी। तो लंदन से हमने एडिनबरा के लिए ट्रेन बुक किया, जो कि वहाँ की कैपिटल सिटी है। तो इसमें आप ओपन रिटर्न का ऑप्शन चूज करिएगा। यहाँ पर आपको फैमिली टिकट डिस्काउंट में मिलेगी। याद रखिएगा कि फैमिली टिकट ही आपको डिस्काउंट में मिलेगी, इंडिविजुअल टिकट्स आप लेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। ओपन रिटर्न का ऑप्शन ये होता है कि आप विद इन 30 डेज आप कभी भी रिटर्न हो सकते हैं। तो ट्रेन बोर्ड आपको सेम डेट और सेम टाइम में ही करनी है जो आपने बुक किया हुआ है। तो यहाँ पर आपको ये पड़ता है £198.50 का और आप टिकट के साथ £6 में इसका ट्रेवल इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। तो टिकट आप कितने दिन पहले एडवांस में बुक कर रहे हैं ये इस पे भी डिपेंड करता है। तो अगर आप बाय फ्लाइट जा रहे हैं तो 2 एडल्ट्स एंड 1 चाइल्ड का यहाँ टिकट आपको पड़ेगा £199, जो कि तकरीबन ट्रेन टिकट के ही बराबर है। और अगर आपके पास कार है या ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप बाय रोड जा सकते हैं, जिसमें आपको लगेगा तकरीबन 7.5 घंटा, जो कि यहाँ से 400 माइल दूर है। तो आज हमारे ट्रैवलिंग का पहला दिन है, तो हमने ह्यूस्टन से ट्रेन लिया है। आप चाहे तो किंग क्रॉस से भी ले सकते हैं, डिपेंड आपको कहाँ किस स्टेशन से ज़्यादा अच्छा ऑफर मिल रहा है। तो स्टेशन पहुँचते ही आप डिपार्चर स्क्रीन में देख लीजिएगा कि आपकी ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म से निकल रही है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा स्टेशन है। तो हमारी ट्रेन हमारा वेट कर रही थी और हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे हमारा स्कॉटलैंड का सफ़र चालू करने के लिए। तो जो ये ट्रेन का सफ़र ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल था। तो इस ट्रेन में एक छोटी सी कैंटीन भी है, जिसमें आप फूड सैंडविचेस या फिर जूस ऑर्डर कर सकते हैं, जिसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। तो ट्रेन की स्पीड थी 200 किलोमीटर, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितनी फास्ट ट्रेन है। तो अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आप कुछ बोर्ड गेम या उनकी पसंद की बुक्स ज़रूर साथ में रखिएगा, क्योंकि ये तकरीबन 5.5 घंटे का सफ़र है। तो हमने ट्रेन जर्नी इसलिए पसंद की थी क्योंकि इसमें जाते वक्त और आते वक्त बहुत ही प्यारी सीनरीज देखने को मिलती है, जो कि बिल्कुल वर्थ है। तो हम दोपहर के 12 बजे पहुंच गए एडिनबर्ग। तो स्टेशन में लगेज स्टोरेज है तकरीबन 12.5 पाउंड पर बैग, जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगा था। तो इस ऐप के थ्रू हमें एक बहुत ही अच्छा सस्ता ऑप्शन भी मिल गया जो हमारे बजट में था। तो स्टेशन से 10 मिनट के वॉक में है ये एक शॉप मेस, जहाँ हमने अपना 2 लगेज रखा 10 पाउंड में 24 घंटे के लिए। तो इसका लोकेशन है आईबीज एंड कोस्टा कॉफी के जस्ट ऑपोजिट। और वहां से इमीडिएटली हम चले गए कार्ल्टन हिल, जो कि बहुत ही सुंदर जगह है। तो ये स्टेशन से 10 से 15 मिनट के ही दूरी पे है, तो हम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे कार्ल्टन हिल देखने के लिए। और ऊपर आने के बाद आपको ये देखिए ये इतना प्यारा सीन मिलेगा देखने के लिए। यहाँ ऊपर से आपको पूरा एडिनबर्ग सिटी देखने को मिलेगी। तो वेदर बहुत ही अच्छा था, ठंडी हवा भी चल रही थी और धूप भी था। तो सबसे ज़्यादा खुश था मेरा बेटा। हमें थोड़ी सी भूख लग गई थी तो हमने यहाँ पर कुछ स्नैक्स भी खाया। ये देखिए यहाँ से ये पूरा एडिनबर्ग सिटी आपको देखने को मिलेगी। तो आप यहाँ आराम से घंटों बैठ सकते हैं, ये इतनी प्यारी और सुंदर जगह है।
आप यहाँ फोटो खिंचाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ये इतनी यादगार जगह है। तो कार्लटन हिल से हमने ले लिया था कैब, ये करीबन 4 पाउंड का ही पड़ा, जहाँ से हम अपना बैग पिक करेंगे और फिर चल पड़ेंगे स्टेशन, जहाँ से हमें इन्वर्सनेस के लिए ट्रेन पकड़नी है। तो स्टेशन जाते वक्त आप कुछ खाना भी अपने साथ पैक करवा सकते हैं यहाँ से, यहाँ काफी इंडियन रेस्टोरेंट है। तो इन्वर्सनेस के लिए मैंने सेम ओपन रिटर्न का ऑप्शन चूज किया था और यहाँ पर मैंने टाइम दोपहर का डाला था ताकि हम थोड़ा सा एडिनबर्ग घूम सकें और उसके बाद दोपहर का ट्रेन पकड़ सकें। तो ट्रेन टाइमिंग चूज करते वक्त आप ऑफ पीक और पीक आवर्स का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप पीक आवर्स में ऑफ पीक टिकट के साथ बैठ गए तो उसका काफी ज्यादा फाइन है। तो यहाँ हमें 3 लोगों की टिकट पड़ी है 141 पाउंड 25p की, तो ये विथ रिटर्न टिकट है। तो लंदन से इन्वर्सनेस आप बाय फ्लाइट भी जा सकते हैं, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो यहाँ आपको वो पड़ेगा 203 पाउंड के आसपास। तो हमारी इन्वर्सनेस की ट्रेन आ चुकी है। तो ट्रेन बोर्डिंग के पहले आप अपना सीट रिजर्व करवा लीजिएगा, स्टेशन में ही इसका कस्टमर सर्विस है जिससे आप अपना सीट रिजर्व करवा सकते हैं, जो कि फ्री है। तो उसके लिए आप स्टेशन थोड़ा पहले पहुंच जाइएगा, और अगर आपने वो नहीं किया है तो आप इस लिंक के थ्रू भी अपना सीट रिजर्व करवा सकते हैं। सो एडिनबर्ग से इन्वर्सनेस का जो ट्रेन सफर है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, आपको ट्रेन के दोनों साइड बहुत ही अच्छी सीनरीज देखने को मिलेंगी। तो ट्रेन में आपको फूड और ड्रिंक्स भी मिलेंगे जो आपको खरीदना पड़ेगा, वो फ्री नहीं है। तो 3.5 घंटे खूबसूरत सफर के बाद हम पहुंच गए हैं अपना डेस्टिनेशन इन्वर्सनेस। तो इनकेस अगर आपको लगेज लॉकर की जरूरत पड़ी तो यहाँ पर वो 7 पाउंड है 2 बैग्स का। तो इन्वर्सनेस सिटी जो है वो खूबसूरत तो है ही, साथ ही साथ ये बहुत ही शांत शहर है। तो ये हाइलैंड्स का कैपिटल भी है, यहाँ आपको कुछ इंडियन रेस्टोरेंट मिल सकते हैं। तो हमने बुक कराया था एयरबीएनबी का घर जिसके लिए हम चल पड़े हैं। तो आज हम थोड़ा थक गए हैं क्योंकि हम सुबह लंदन से निकले हुए थे। तो यहाँ कीज कुछ इस तरीके से मिलता है और ये है एयरबीएनबी का घर जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। तो यहाँ आपको पूरा किचन में आपको टोस्टर, माइक्रोवेव, बर्तन सब मिलेंगे। और अगर आप मेरे जैसे चाय के शौकीन हैं तो चाय का सामान ले जाना और चाय छानने की छन्नी ले जाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो पूरा घर मैं आपको अच्छे से घुमाती हूँ, ये घर बहुत ही ज्यादा नीट एंड क्लीन था। तो ये हमें मिला था 140 पाउंड पर नाइट के कॉस्ट से। तो आपको एयरबीएनबी अपार्टमेंट यहाँ 100 पाउंड से लेकर 200 पाउंड पर नाइट के कॉस्ट से मिल सकता है। तो मेरा बेटा अपना बेडरूम देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था, खुश था, और उसे ये अपार्टमेंट छोड़कर वापस लंदन जाना ही नहीं था। और ये है हमारा बेडरूम, ये 2 बेडरूम का घर था। यहाँ पर बहुत अच्छा ड्रेसिंग टेबल भी है, कबर्ड्स भी है, और बहुत ही ज्यादा साफ सुथरा बाथरूम। और यहाँ इंटरटेनमेंट के लिए था टीवी, जहाँ मेरे बच्चे ने कुछ देर कार्टून देखा। तो मेरे पास कुछ रेडी टू कुक सब्जियां थी जो हम बनाकर खाकर सो गए। तो यहाँ आपको होटल्स के भी बहुत अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे जो कि 60 पाउंड पर नाइट से स्टार्ट है। तो हमने 2 रात एयरबीएनबी के घर में और 1 रात यहाँ पर होटल में स्टे किया था। तो सारे रेट इस बात पर डिपेंड करते हैं कि आप इसे कितना एडवांस में बुक कर रहे हैं, क्योंकि ये रेट्स चेंज होते रहते हैं। तो सफर के दूसरे दिन की शुरुआत की हमने एक कड़क चाय के साथ, जो कि एयरबीएनबी में ही मिलना पॉसिबल है। तो सुबह के 6:30 बज रहे हैं और हम रेडी हो चुके हैं हाईलैंड, लॉकनेस एंड अपने हैरी पॉटर ट्रेन की जर्नी के लिए। हेलो, से हेलो। तो हमारे एयरबीएनबी घर से जो बस स्टॉप है जहां से हमारा बस निकलने वाला है हाईलैंड के लिए, ये सिर्फ 5 मिनट के वॉक पे था। तो आप एयरबीएनबी या होटल जो भी बुक करें, आप इस डिस्टेंस का ध्यान रखिएगा। और हाईलैंड एक्सप्लोरर टूर्स को मैं हाईली रिकमेंड करूंगी क्योंकि इनकी सर्विस बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। तो इस बस स्टॉप से काफी जगह के लिए बसेस निकलती हैं टूरिस्ट के लिए। तो हमने एडवांस में ही बुकिंग कर ली थी, तो हमने इस साइट में जाकर इसके लिए टिकट्स बुक की थी।
तो इस पैकेज में आपको मिलेगा हाईलैंड लॉकनेस एंड जैकबाइट ट्रेन, जो कि हैरी पॉटर ट्रेन के नाम से भी फेमस है। तो ये पर पर्सन है 95 पाउंड और इसको पूरा घूमने में लगते हैं 12 घंटे। इनवर्सनेस से निकलने के बाद हम आ चुके हैं लॉकनेस की तरफ। आप इसे हिंदी में कह सकते हैं कि ये बहुत ही बड़ी झील है। तो इसकी गहराई है 240 मीटर और इसकी जो लंबाई है वो है 36 किलोमीटर। तो ब्रिटेन का 80% फ्रेश वाटर यहीं पर है। तो हमारी बस एक जगह पे रुकी जो कि बहुत ही सुंदर थी और जून के महीने में भी हमें यहाँ थोड़ा स्नो देखने को मिला। तो सुबह के 10 बज रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं फोर्ट विलियम स्टेशन, जहां से हमारी हैरी पॉटर की जो ट्रेन जर्नी है वो स्टार्ट होने वाली है। तो हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे, स्पेशली मेरा बेटा, क्योंकि वो हैरी पॉटर का बहुत ही बड़ा फ़ैन है। तो ये पूरा 2 घंटे का सफ़र है। तो ये ट्रेन जाएगी मेलिक स्टेशन तक। तो मेरा छोटा हैरी पॉटर रेडी था ट्रेन में जाने के लिए। तो यहाँ पर हाईलैंड टूर्स वाले हमारा सीट पहले से रिजर्व करके रखा था। तो ये इकोनॉमी क्लास है और ये है फर्स्ट क्लास का सीट, जिसमें एक्चुअल में हैरी पॉटर बैठा था मूवी में। तो हमारी ट्रेन चल पड़ी है और देखते हैं आगे आगे हमें और भी क्या देखने को मिलता है इस ट्रेन से।
तो कोशिश करिएगा कि आपको विंडो सीट मिले और आपको अच्छे फोटोग्राफ्स और वीडियोस के लिए आप इसकी डोर पर जाकर इस तरीके से खड़े हो सकते हैं। और ये है इस पूरे ट्रेन जर्नी का एक बहुत ही खूबसूरत पल। तो ये दुनिया की बहुत ही खूबसूरत ट्रेन जर्नी में से एक है। तो ट्रेन में भी आपको कॉफ़ी, जूस और कुछ खाने के लिए चिप्स और चॉकलेट ज़रूर मिलेंगे। हाँ, ये थोड़े एक्सपेंसिव हैं और आपको बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट भी यहाँ पर आप ले सकते हैं। तो मेरे बच्चे ने हैरी पॉटर पज़ल यहाँ से एक खरीदा था। तो पूरे ट्रेन जर्नी में आपको बहुत ही सुंदर सीनरीज देखने को मिलेंगी। तो ट्रेन यहाँ पर थोड़ी देर रुकती भी है ताकि आप इसका पूरा नज़ारा अच्छे से ले सकें और अच्छे फोटोग्राफ्स खींच सकें। तो अब हम पहुंच चुके हैं अपना डेस्टिनेशन और अब वक्त आ गया है इस ट्रेन को बाय बाय बोलने का। तो हमें यहाँ पर टूर वाले ने 2 घंटे का ब्रेक दिया था जिसमें हम कुछ लंच और स्नैक्स खा सकें। तो यहाँ आप अगर वेजिटेरियन हैं तो आपको कूप या कुछ और शॉप भी मिल सकती हैं सैंडविच के लिए। और उसके बाद हम निकल पड़े कुछ यहाँ की ब्यूटीफुल सीनरीज देखने के लिए। और बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी तो हमने यहाँ पर कुछ आइसक्रीम का भी लुत्फ़ उठाया। मेरा बच्चा बहुत ही ज़्यादा खुश था और थोड़ी देर के लिए हम यहाँ शांति से बैठे रहे ताकि इस जगह को हम अच्छे से इत्मीनान से देख सकें। और पार्किंग में बस हमारा वेट कर रही थी और अब पारी है हैरी पॉटर ट्रेन को बाहर से देखने के लिए। तो यहाँ पर बस वाले ने थोड़ी देर गाड़ी रोका था और ये देखिए ट्रेन आ रही है। तो इसे बाहर से भी देखना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है जितना इसे ट्रेन में बैठ के देखना है। तो अब हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। तो ये भी लॉकनेस का एक बहुत ही सुंदर पार्ट है। तो यहाँ पर बस ने 45 मिनट्स का हमें ब्रेक दिया था ताकि हम ये जगह अच्छे से देख सकें और इसकी खूबसूरती का आनंद ले सकें। तो ये जगह बहुत ही शांत और बहुत ही खूबसूरत है और आप चाहे तो यहाँ पर स्विम भी कर सकते हैं। तो आप अपने साथ एक्स्ट्रा कपड़ा ज़रूर रखिएगा और स्पेशली अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आप ज़रूर ही रखिएगा उनके कपड़े। और वहां से हम फिर से निकल चुके हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। तो देखते हैं अब कौन सी जगह हम जा रहे हैं। तो वहां से हम गए एक वाटरफॉल देखने के लिए। तो अगर आपको जॉइंट पेन है या कुछ और नी इशू है तो मैं आपको ये चीज रिकमेंड नहीं करूंगी क्योंकि ये काफी 1 किलोमीटर तक नीचे है और वहां जाकर हम बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हुए क्योंकि वाटरफॉल में ज्यादा पानी ही नहीं था।
तो अगर आप रेनी सीजन में जा रहे हैं तो फिर आपका जाना यहाँ पर वर्थ है। और वहां से निकलकर आ चुके हैं हम अपने लास्ट डेस्टिनेशन में, तो यहाँ पर आप चाय, कॉफी या स्नैक्स भी खा सकते हैं। और अगर आप विस्की के शौकीन हैं तो आपको पूरे स्कॉटलैंड में इसके बहुत सी वैरायटी मिलेगी। तो स्कॉटलैंड जो है वो विस्की के लिए फेमस है। तो ड्रोन से मैं आपको इसका ऊपर से भी व्यू दिखाती हूँ। यहाँ ड्रोन चलाना अलाउ था। तो मोस्टली इन्वर्सनेस लॉकनेस में आपको व्हाइट हाउसेस देखने को मिलेंगे, जो कि इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं। तो शाम के 7:30 बज रहे हैं और हम आ चुके हैं इन्वर्सनेस। तो हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ सिटी को भी थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे और थोड़ा सिटी भी घूमेंगे। तो ये है यहाँ का बस स्टॉप। तो हमें कल आइल ऑफ स्काई के लिए यहाँ से फिर से बस पकड़नी है। तो होटल में खाना ऑर्डर करके हम चले गए सिटी घूमने के लिए। तो यहाँ वॉक करना बहुत ही रिलैक्सिंग था, क्योंकि यहाँ की फ्रेश हवा और ये जो पानी की आवाज़ है ये बहुत ही अच्छी लगती है। तो आइल ऑफ स्काई टूर की पूरी डिटेल के लिए और एडिनबर्ग सिटी में क्या क्या देखने के लिए है इसकी पूरी जानकारी के लिए आप दूसरा पार्ट देखना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आगे मैं आपको और भी अच्छे अच्छे ऐसे ही ब्लॉग बताऊंगी और मेरी रेसिपीज भी अपलोड करूंगी।